हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अलगाधरो क्लास में। आज की क्लास में देखने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को। आज की क्लास में देखने वाले हैं सेट नंबर आपका यहाँ पे 28 सेट होने वाला है। तो एग्जाम का डेट आ चुका है, आप सभी को एडमिट कार्ड जो है आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिए। अगर चैनल पर नया है तो वीडियो को जो है लाइक कर देना और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना है। ये क्वेश्चन आप सभी को देखना है जो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर की तरह जो क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट आता है, पशु के कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा जो कोशिका है कचरा का निपटान करता है पशु के कोशिकाओं में, तो इनमें से कौन से हो जाएंगे? तो ये आपको हो जाएंगे लाइसोसोम जो है पशु कोशिका में जो है वो कचरा का जो है निपटान करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा जो है सही है, इन निम्नलिखित कथनों में से इनमें से कौन सा जो है कथन आपको यहाँ पे सही दिया गया है? तो इनमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, राज्य की नियुक्ति जो है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये आपका सही होता है। राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करते हैं किसको, तो राज्यपाल को नियुक्ति करते हैं, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू मृत्यु के बाद, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से कौन से भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, इनमें से कौन बने थे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी, तो इनमें से कौन बने थे? तो ये आपको बने थे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, गुलजारी लाल नंदा जो बने थे जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद बने थे, इसको याद रखना है आप सभी को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच जो है स्थित एक पहाड़ी दर्रा है, भारत और चीन के बीच स्थित दर्रा की बात की है, तो इनमें से कौन से हो जाएंगे? तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, काराकोरम दर्रा जो है ये आपको भारत और चीन के बीच अवस्थित है। भारत और चीन के बीच रेखा अगर पूछा जाए आपसे तो इसमें कौन से हो जाएंगे, तो मैकमोहन रेखा हो जाते हैं, इसको याद रखना भी है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच, और दर्रा की बात किया है तो काराकोरम दर्रा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, अंग्रेज के नवाब कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा किया था, इनमें से किस रियासत पर जो कब्जा किया था अंग्रेज के नवाब के कुशासन के बहाने, तो इनमें से किसके किए थे कब्जा? तो ये आपको हो जाएंगे अवध पे कब्जा किए थे, किस पे, तो अवध पे कब्जा किए थे, इसको याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को क्या कहा जाता है, इनमें से क्या कहा जाता है हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य को जो है कहा जाता है, तो इनमें से जो है कहा जाते हैं ऑस्टियोपोरिस कहा जाता है, क्या कहता है ऑस्टियोपोरिस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्टियोपोरिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, इक्टियोलॉजी जो है, इक्टियोलॉजी इनमें से किससे संबंधित है, इक्टियोलॉजी जो है इनमें से किससे संबंधित है, तो ये आपको हो जाएंगे मछलियों का अध्ययन से किया जाता है, किसके, मछलियों का अध्ययन जो होता है वो इक्टियोलॉजी में किया जाता है, जैसे जनसंख्या के अध्ययन डेमोग्राफी में किया जाता है, डेमोग्राफी में, उसी प्रकार जो है मछली का अगर अध्ययन पूछा जाए आपसे तो इक्टियोलॉजी में किया जाता है, मछली का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, वर्ष 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था, वर्ष 1949 में जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपको किए गए थे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो किया गया था 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, 31 जुलाई 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के कॉर्पोरेटर मामलों के कैबिनेट मंत्री जो थे वो कौन थे, इनमें से कौन से जो थे कैबिनेट मंत्री थे, तो इनमें से हो जाएंगे आपसे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएंगे, निर्मला सीतारमण जो थे 2020 तक के स्थिति के अनुसार जो है वो कैबिनेट मंत्री थे, क्या थे, कैबिनेट मंत्री थे, तो इसको याद रखना आप सभी को, निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कारक मैड हैटर रोग का नामक रोग के लिए जिम्मेदारी होता है, मैड हैटर रोग जो है उसके लिए इनमें से कौन से जो है जिम्मेदार होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पारा विषक्तता जो है ये आपको मैड हैटर रोग के लिए जिम्मेदार होती है, कौन होती है, तो मैड हैटर के लिए कौन हो जाएगी, तो पारा विषक्तता हो जाएगी, इसको याद रखना है आप सभी को, और आप सभी को आंसर पता हो तो कमेंट भी करते चलिएगा, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी, इसको याद रखना है आपसे, आगरा नगर की स्थापना जो की गई थी किन के द्वारा किया गया था, तो ये आपको किया गया था सिकंदर लोदी द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, प्राचीन स्मारक जो संरक्षण एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था, इनमें से किसके द्वारा पारित किया गया था, तो ये आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे
सी हो जाएंगे, लॉर्ड कर्जन के समय किया गया था। किनके समय? तो लॉर्ड कर्जन के समय जो है प्राचीन स्मारक संरक्षण का एक्ट जो है पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की गई थी। किनके द्वारा किया गया था? मजदूर संघ जो है उसकी स्थापना आपको यहाँ पे 1918 में की गई थी, और किनके द्वारा किया गया था? तो ये आपको किया गया था बीपी वाडिया द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीपी वाडिया ने मजदूर संघ की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, अबुल फजल के हत्यारों की पुरस्कृत किया जाता है। इनमें से किसके द्वारा अबुल फजल के हत्यारे को जो है पुरस्कृत किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, जहांगीर ने किया था। किसके द्वारा? तो जहांगीर को किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, कांग्रेस के निम्नलिखित में से नेताओं में से कौन सा एक पूर्ण रूप से जो है कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? इनमें से कौन से जो था जो कैबिनेट मिशन जो हुआ था उसके पक्ष में था, इनमें से कौन से हो जाएंगे? तो ये आपको हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्हें कैबिनेट मिशन के पक्ष में थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जो है सुल्तान अजलन शाह कप जीते थे? इनमें से कौन से कप जीते थे किस खेल के लिए? तो ये जीते थे आपको यहाँ पे हॉकी खेल के लिए जीते थे, जो जैसे सुल्तान अजलन खान जो जीते थे कप, वो हॉकी में जीते थे। भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। इसे खेलने में कितना समय दिया जाता है? तो 60 मिनट दिया जाता है। इसको याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद जो है किस वर्ष सृजित किया गया था? इनमें से किसके वर्ष जो है सृजित किया गया था? सुरक्षा सलाहकार की बात की है तो ये आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 1998 में जो है भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद जो है वो सृजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जल है जो घुलनशील के ऐसा एकमात्र विटामिन है जिसमें कई वर्षों तक जो है यकृत में संग्रहित किया जाता है? यानी लीवर में जो रहते हैं वो कितने वर्षों तक जो है वो विटामिन जो आपको लीवर में वो रहते हैं? तो ये आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी B12 जो है आपको विटामिन B12 जो है आपको वो जो लीवर में संग्रहित रहते हैं कितने मतलब कई वर्षों तक आपके पेट में जो वो रह सकते हैं, तो इसको याद रखना है विटामिन बी हो जाएगा आपको संग्रहित जो रहते हैं यकृत में विटामिन B12 रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ अवस्थित है? भीमा देवी जो मंदिर है वो कहाँ पे अवस्थित है? तो ये आपको अवस्थित है डी नंबर हो जाएगा, पिंजौर के हरियाणा में अवस्थित है। कहाँ पे? पिंजौर के हरियाणा में जो है ये अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, मोहनजोदारो मिले स्नानागर को चढ़ाकर जलरोधी बनाया जाता है कि पर्वत जो है चढ़ाई गई थी? इनमें से कौन से पर्वत चढ़ाई गई थी? महास्नानागर जो मोहनजोदारो में अवस्थित है। तो इनमें से हो जाएंगे आपसे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएंगे, बिटूमेंस का पर्वत चढ़ाया गया था। किसका? तो बिटूमेंस का पर्वत चढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक जो है पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी है? इनमें से कौन से बिलियर्ड्स खिलाड़ी है? तो ये आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, पंकज आडवाणी जो है ये आपको बिलियर्ड्स खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस साधीर नर्तक को पद्मश्री 2022 में प्राप्त हुआ है? इनमें से किसको नर्तक को प्राप्त हुआ है? तो ये आपको प्राप्त हुए हैं ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे वी हो जाए सी हो जाएगा, थविल जो है कोंगमापट्टू जो है अब इनको प्राप्त हुआ है आपको नर्तकी पद्मश्री 2022 में इनको प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, ने अपनी पत्नी जो है खुद एक नर्तकी है और बेटे के साथ 1993 में सृजन का निर्माण किया था, इनमें से कौन से हो जाएंगे और एक नर्तकी है? तो इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएंगे, केलुचरण महापात्रा जो है इन्होंने उसके एक पत्नी भी नर्तकी है और अपने बेटे के साथ भी 1993 में जो है नर्तकी का सृजन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, केलुचरण महापात्रा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 21 सितंबर 2022 को किस कंपनी को 12वां महारत्न जो है कंपनी घोषित किया गया था? महारत्न घोषित किया गया था इसके किनके द्वारा किया गया था? तो ये आपको बी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यहाँ ग्रामीण विद्युतीकरण जो है निगम द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।